अवैध खनन कर रेता ला रहे युवक सहित दो भैंसों की हाई टेंशन तार गिरने से मौके पर ही मौत। बिजली विभाग ने तार गिरने के बाद भी नहीं ली सुध। दरअसल 18 वर्षीय गौतम किच्छा नदी से भैंसा गाड़ी द्वारा रेता लेकर लौट रहा था। रास्ते में एक हाई टेंशन लाइन का तार पड़ा था जिसमें करंट चल रहा था। अंधेरा होने के कारण उसे तार दिखाई नहीं दिया और वह दोनों भैंसों समेत करंट की चपेट में आ गया, जिसे परिवार वाले बाइक से सरकारी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर लिखे जाने तक पुलिस व कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। पेश है बहेड़ी के संवाददाता मोहज्जम हुसैन की खास रिपोर्ट। अचानक बच्चा निकल के जा रहा था, क्या मालूम करंट उसके कहां लगा, करंट लगा है, दो भैंसे खत्म हो गए। लौंडा, तो ये तार पहले से टूटा हुआ था या उसी टाइम गिरा है? पहली का टूटा हुआ है तार, और फिर हमें एक घंटा लग गया जाने में पापर हाउस में, तब भी लाइट नहीं बंद करी। सब्बू गया कूद के, तो उसने बंद कराया गेट, कूद के गया है तब उनने बंद करवाई है। उठाया तो उठाई, वो तो सो रहा था। एम्बुलेंस या पुलिस को खबर की है? खबर की, कोई पहुंचा वहाँ पे? वहाँ कोई नहीं पहुंचा, यहाँ से मोटरसाइकिल बैठा कर लाए बच्चे अस्पताल पे। अस्पताल ले गए, अस्पताल डॉक्टर ने मना कर दिया। सरकारी पहले अड़ोरा के यहाँ ले गए थे, बाद में ले गए तुरंत ही ले गए सरकारी अस्पताल, तो उन्हें मना कर दिया, बोले घर ले जाओ, इसकी खुदाई कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं होगा।